कि आप बहुत इजीली आप स्मूथली राइड करते हुए आप जा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखना है। लाइक आप अगर सिंगल रोड पे आप नाइट राइड कर रहे हैं, जस्ट होल्ड अ सेकंड गाइस, ओके, मतलब आप अगर किसी सिंगल रोड पे आप अगर नाइट राइड कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको लेफ्ट साइड से आपको ओवरटेक नहीं करना है, ओके, क्योंकि लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि जब भी किसी गाड़ी को आप अगर लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं और अगर उसके सामने अगर कोई आता है तो वो अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड ही लेकर आएगा, और अगर उस वक्त आप लेफ्ट साइड में हैं तो वहाँ भी एक डेंजर जोन बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप राइट से ओवरटेक करें, साथ में आप किस तरह से डीपर का यूज़ करके ही आप ओवरटेक करें, क्योंकि रात में हॉर्न वगैरह का यूज़ नॉमिनल नहीं होता है। आप हेडलाइट का यूज़ करिए, अपर डिपर का यूज़ करिए और देन आप इजीली उससे ओवरटेक करिए, आप निकल जाइए। क्योंकि अगर आप बिना अपर डिपर किए लेफ्ट साइड से आप ओवरटेक करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। हाँ, अगर आप किसी फोर लेन या सिक्स लेन रोड पर है और आपको किसी गाड़ी ओवरटेक करना है जो रोड के सेंटर में चल रहा है, ध्यान रखिए जो गाड़ी रोड के सेंटर में चल रही है उसको आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं, बट वहाँ भी आपको हेडलाइट का अपर डिपर लाइक दिस आपको यूज़ करना है। सेम आप अगर राइट साइड से भी आप ओवरटेक कर रहे हैं तो भी आपको अपर डिपर का यूज़ करना है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। सो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको आप राइड करते समय आप ध्यान रखें। स्पीड आप हमेशा उतनी भी रखें जितनी आपके कंट्रोल में रहे गाड़ी। कोई ये नहीं बोलता है कि नहीं आपको गाड़ी 110 पे या 120 पे या 130 पे चलाना है, ये आपको पता है कि आप गाड़ी कितनी स्पीड से चला सकते हैं कि जो आपके कंट्रोल में रहे ऑलवेज, क्योंकि मिस हैपनिंग जो होती है गाइस वो एक या दो सेकंड ही लगता है, ठीक है। तो आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी ही रखें कि आप उसको इमीडिएट कंट्रोल कर सकें। धीरे धीरे हैबिट होती है, तो शुरुआत में आप जैसे अगर आप नए राइडर्स हैं तो स्पीड को आप हमेशा कंट्रोल रबे रखें, हम 80, 90, 70, 80 सब स्टार्ट करें और आप क्रूज़ करते हुए आराम से राइड को इन्जॉय करें। सो आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लिटरली अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भी मैं आपको बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लाइक गाड़ी के इंजन से रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा, तो वो सारे वीडियोस आपको मिल जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल आप ऑन रखिएगा हमेशा, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। गाइस थैंक यू सो मच।